छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर में काबली चने को 5-6 घंटे भींगे हुए साथ पानी और बेकिंग सोडा डाल के इसे सीटी लगा लेंगे जब तक कि ये पक ना जाए। यहाँ ये गल गई है, अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करके सारे खड़े मसाले डालते हुए साथ में हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन। अनियन के साथ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अनियन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ में हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें कसा हुआ अदरक डाल देंगे और साथ में ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी और इसे यहाँ अच्छे से भून लेंगे। अब जब ये अच्छे से भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो हमारे पके हुए छोले को इसमें डाल देंगे और फिर 5-10 मिनट पकाने के बाद इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा छोला एकदम रेडी है। अब हम करेंगे भटूरे बनाने की तैयारी, जिसके लिए हम एक बर्तन में मैदा ले लेंगे, साथ में ऐड करेंगे चीनी में थोड़ा सा दूध और इसे गल के उसमें डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसे दूध डाल देंगे इसमें, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल डालते हुए। जब ये ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से, तब हम इसमें हल्का हल्का गर्म पानी ऐड करते हुए गूंथ लेंगे। इसका डो एकदम मुलायम और नरम होगा। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हथेली में ऑयल लेके अच्छे से मिक्स करके 5-6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा आटा अच्छे से गूंथ गया है। 5-6 घंटे के बाद ये देखिए एकदम फ्लफी हो जाएगा। अब इसमें से हम एक छोटी लोइयाँ लेके गरम तेल में अच्छे से बेल के तल लेंगे। यहाँ देखिए, पूड़ियाँ एकदम फुली फुली कुरकुरी और सॉफ्ट बनेंगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारा भटूरा ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए और मज़े कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सर्व किया है। इसके साथ थोड़ा सा आम का अचार बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। साथ में आप ऐड कर सकते हैं अनियंस भी। और ये देखिए, ये वाकई काफ़ी टेस्टी बना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।